मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्व यस्य रभावे कृष्ण कर्मण तस्म संज्ञान रूपाए नमोस्तु परमात्मने इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ आचार्य देवनंदी स्वा स्वामी द्वारा लिखा गया है जिनका अपर नाम स्वामी भी है इसमें इंक्यावन श्लोक इस संस्कृत भाषा में लिखा गया है और आध्यात्मिक ग्रंथ है इसे मिनी समय सार भी कह सकते हैं इसको पढ़ने से मन में शांति आती है और हम वेद ज्ञान की कला सीख सकते हैं सौ पर किस प्रकार से होना है इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं यहाँ पर बताया गया था कि जो मोही व्यक्ति है वो पर पदार्थ को अपना मानता है श्लोक नंबर आठवा चल रहा था मोह के कारण संसार में जगत में परमाणु मात्र भी इसका नहीं होता है लेकिन मोह के कारण यह मेरा है मैं इसका हूँ इस प्रकार से भावों को सजोता रहता है और संसार में जन्म मरण करके दुखों को प्राप्त होता रहता है दुख अपने नहीं होते हैं पर को मानने से दुख होते हैं क्योंकि जब हम मान लेते हैं ये मेरा है तो उसके प्रति जो हमारी निष्ठा जुड़ जाती है श्रद्धा जुड़ जाती है मिथ्या श्रद्धा जुड़ जाती है वो मिथ्या श्रद्धा ही व्यक्ति को दुख देती है सम्यक श्रद्धा कभी किसी को दुख नहीं देती है मिथ्या श्रद्धा ही व्यक्ति को क्या है दुख देती है जैसे हमने किसी के प्रति गलत धारणा बना ली है तो वो हमेशा हमें दुख देता रहेगा और जैसे हमारी गलत धारणा दूर होगी तो हम सुखी हो जाएंगे हम खुश हो जाएंगे तो कह रहे हैं कि हमने जगत के प्रति वस्तु के प्रति पदार्थों के प्रति ऐसे ही अनादि से मिथ्या धारणा बना रखी है और वो मिथ्या धारणा ही हमें दुख देती है यहाँ बताया गया था मूढ़ा स्वानी प्रपद्धति जो मूढ़ा है वो इन सबको अपना मानता है बपू को ग्रह को धन को दारा को पुत्र को मित्र को शत्रु को इन सबको अपना मानता है जबकि सर्वथा अन्य वाले ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं पर स्वभाव वाले हैं तो अन्यथा स्वभाव वाले होने से भी होने के कारण भी ये ये नहीं मानता है कि अन्य स्वभाव वाले हैं ये सोचता है कि ये मेरे हैं जब हम अपना अस्तित्व दूसरों पर देखने लगते हैं या दूसरों का अस्तित्व अपने में देखने लगते हैं तो एक हो जाते हैं और जब एक हो जाते हैं तो फिर एक का नहीं होता है दो का हो जाता है फिर हम बहुत दुखी होने लगते हैं बहुत परेशान होने लगते हैं तो कह रहे हैं इन से तुम अपने को विदा करो कौन किसका होता है जगत में कोई किसी का जगत में नहीं होता है सबका अपना परिणमन है सबका अपना स्वभाव है सबकी अपनी सोच है सबका अपना शोध है सबका अपना बोध है सब कुछ तो भिन्न भिन्न है सबका अलग अलग है जो सब्जी तुमको खाने में पसंद आती है वो उसको नहीं आती है जो भोजन तुमको अच्छा लगता है वो भोजन उसको अच्छा नहीं लगता है जब सबका स्वाद भिन्न है सबका रहन सहन भिन्न है कपड़े पहनने का स्टाइल भी देखो सबका अलग अलग है सबको कपड़े अलग अलग पसंद है कि नहीं किसी को कुर्ता पजामा अच्छा लगता है किसी को जीन्स पेंट अच्छा लगता है किसी को अच्छा लगता है हमको तो ऐसा अच्छा लगता है तो हम ऐसे हैं ठीक है ना सबका जो है अपना अपना पसंद है जब आपका रहन सहन अलग अलग है खान पीन सबका अलग अलग है तो फिर पर आपका कैसे हो सकता है वो आपके अनुरूप कैसे प्रणबन कर सकता है और आप अपने अनुसार उसको कैसे चला सकते हैं या वो आपको अपने अनुसार कैसे चला सकता है जगत का एक परमाणु भी दूसरे परमाणु के अनुसार नहीं चलता है वो भी अपने अनुसार ही परिणमन करता है क्योंकि उसका सत्ता अपने में है सत्य उत्पाद भय उसमें है तो इस बात को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा मोह का गलन हो जाता है जैसे मोह छूटा तो उस संबंधी तत्संबंधी जितने भी दुख थे कष्ट थे पीड़ाएँ थे वो सब क्या हो जाता है विलीन हो जाता है दुख दूर हो जाता है जैसे महाराज जी पूरे खानदान को छोड़ के आए तो खानदान संबंधित जितनी समस्या वो सब क्या हो गए खत्म हो गई ना कि अब चाचा का क्या है ताता का क्या है मामा का क्या नाना का क्या किसका क्या कितना बड़ा जाल होता है बहुत बड़ा जाल होता है तुम तो समस्या में गिरे रहते हो अभी सुतक लग गया अभी पातक लग गया कभी ये हो गया कभी वो हो गया कभी यहाँ जाना है कभी वहां जाना है कभी उसके बर्थडे में कभी उसके बर्थडे में कभी उसके मरण में कभी उसके जन्म में सारी समस्या आपकी समस्या है क्यों क्योंकि आप उनसे क्या हो जुड़े हो अपने को बांध के रखे हो बांध के रखे हो किससे बांध के रखे हो मिथ्यास धारणा से और जैसी वो टूटी जैसी वो छूटी तो आपके वो सारे दुखी क्या हो गए दूर हो गए विलीन हो गए ठीक है ना तो कह रहे हैं कि तू क्यों इनसे अपना नाता मानता है ये कैसे है तो आज हमें दिग्दर्शन करा रहे हैं नौवे नंबर के श्लोक से जिसके पास भी हो उ दोहरा सकता है पढ़ सकता है दिग्देशे दिग्देशेभ्य खाएता संवसती संवसती नगे नगे स्वस्व कार्य वसाद देशे दिक्षु, प्रगे प्रगे दिग्देशे खगत समी नगे नगे स्वस्व कार्यवशात देशे दिक्षु प्रगे प्रगे एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे दिग्देशे दिशाओं और देशों से खगा पक्षी एत आकर नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर संवसंती निवास करते हैं तथा प्रगे प्रगे प्रातः काल कार्य अपने अपने कार्य के लिए वशात वश्य देश में दीक्षु दिशाओं स्थानों में यान्ति चले जाते हैं यहाँ उदाहरण दिया है संसार का दिग्दर्शन कराने के लिए पक्षी का उदाहरण दिया है कि पक्षी क्या करते हैं सायंकाल क्या करते हैं उड़ के आते हैं और एक वृक्ष पर रैन बसेरा करते हैं रैन बसेरा रात काटते हैं बैठ जाते हैं उसमें और मौन के बैठ जाते हैं और रात भर सोचते हैं कल कहाँ जाना है कल कहाँ मिलेगा माल कल कहाँ मिलेगा खाना रोनी जाना है पीतमपुर जाना है प्रशांत बिहार जाना है कहाँ जाना है दिल्ली जाना है बॉम्बे जाना है कहाँ जाना है वो रात भर बिल्कुल प्रोग्राम उसका चलता रहता है और जैसे ही प्रातःकाल होती है तो वो अपने अपने दिशा में चला जाता है दिख देश से भ्या दिग मतलब होता है दिशा और देश दिग देश दिशा और देशों में जिस दिशा से आता है उसी दिशा में चला जाता है अभी ठंड का समय है साइबेरिया आदि से कितने पक्षी आएंगे? दूर दूर से उड़ के आएंगे वहाँ बहुत ठंड होती है ठीक है ना और यहाँ पर आएंगे, और एक दो महीना चार महीना जो रहेंगे रह के अपना भरण पोषण करेंगे और जैसे ही यहाँ गर्मी पड़ने लगेगी तो फिर वो उड़ करके वो जिस देश से आए थे जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में उसी देश की ओर उड़ करके चले जाएंगे आते नहीं आते पक्षी भरतपुर के पास झील बहुत लोग पक्षी आते हैं साइबेरिया से बहुत पक्षी आते हैं और वो क्या होंगे जहाँ से आते हैं उसी दिशा में चले जाते हैं तो कह रहे हैं कि ऐसे ही वो पक्षी आते हैं नगे नगे नग नग मतलब होता है वृक्ष वृक्ष पेड़ तो वो पेड़ में बैठते हैं और प्रातः काल होते ही प्रगे 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 प्रगे, प्रगे। काल होते ही स्व स्व कार्य वसात अपने अपने कार्य के वशीभूत से सब अपना अपना कार्य करना चाहते हैं ग्रुप में रहते हैं लेकिन सबका कार्य क्या है अपना है कि मुझे क्या काम करना है मुझे अंगूर खाना है कि अमरुद खाना है कि आम खाना है क्या खाना है जो भी खाना पीना उनका है वो अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के क्या हो जाते हैं दे दीक्षु 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 दिशा देशे देश उसी देश में उसी दिशा में क्या हो जाते हैं यान्ति चले जाते हैं ये तो पक्षी को धारण दिया ऐसे वो हमको समझा रहे हैं कि तुम पक्षी को देखो आते हैं और चले जाते हैं रात में वो बैठते हैं गुटरगु करते हैं मतलब कि आपस में तुम कहाँ से आए कैसे आए तुम कौन से देश से आए कबूतर तो से पूछता है तोता कबूतर से पूछता है एक दूसरे से और क्या चल रहा है आजकल सब कुछ ठीक चल रहा है आगे? क्या भोजन पानी कहाँ बढ़िया बढ़िया मिलता है बता दो हम भी हम भी वहाँ पे चले जाएंगे हम भी खा पी लेंगे और इतनी दोस्ती यारी कर लेते हैं एक रात में एक रात में हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे तुम भी हमारे साथ चलना ऐसे कर लेते हैं और सुबह होते ही किसी को कुछ होश नहीं रहता है यही होश रहता है कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा और सब भागना प्रारंभ कर देते हैं अपनी दौड़ चालू कर देते हैं तो एक रात में सारी रिश्तेदारी बनाई और सुबह एक जन्म में हमने सारी रिश्तेदारी बनाई जन्म लिया तो ये हमारे मम्मी हैं ये हमारे पापा हैं ये हमारे दोस्त हैं ये हमारे यार हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं ये हमारे खानदान हैं ये हमारे पति हैं कितने रिश्तेदारे बनाए कितना मकड़ी का जाल बनाया सारा बुन लिया निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है चलो वो पक्षी कम से कम सुबह उड़ तो गया तुम तो उड़ने को भी तैयार नहीं हो तुम तो बोले अभी थोड़ा और है थोड़ा और है महाराज जी थोड़ा और क्या थोड़ा बस बेटे की शादी हो जाए थोड़ा और अब और क्या बस पोता हो जाए बस थोड़ा और अब क्या हो जाए पोता थोड़ा खिला तो ले थोड़ा और अब क्या करना है पढ़ तो ले अच्छे स्कूल में थोड़ा और अब तो पोता का पड़पोता हो जाए थोड़ा और बस ये और का छोर नहीं होता है और का कभी छोर नहीं होता वो तो और, और करते रहो कोई छोर नहीं आने वाला तो हम जिंदगी भर जीवन भर उनसे नाते बनाते रहते हैं संसार एक मेला है मेले में कितने लोग मिलते हैं आपस में आते हैं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं कहाँ कहाँ के लोग मिलते हैं और मेला समाप्त होते ही सब सब चले जाते हैं संसार एक रंगमंच है रंगमंच है नाटक का मंच है जहाँ पर जिस जिसको जैसा नाटक बताया गया है उसको वही कहा गया है तो तुमको सीता का रोल करना है तो सीता ही करना है तुमको राम का करना है तो राम करना है तुमको रावण करना है तो रावण करना है कर्म तो कर्म जो है नाटकाचार है कर्म कौन है नाटकाचार सूतधार कर्म क्या है हाँ लोक लोक जो है नाटक मंच ये पूरा लोक कैसा है नाटक मंच है और इसमें नाटकाचार कौन है और नट कौन है नट नटिया कौन है नट नटिया हम हैं कठपुतली हम हैं वो नट नटिया हम लोग हैं और जैसे जैसे नाटकाचार नचा रहा है ये श्लोक आया पूरा स्वामी जी पूरा एक श्लोक आया नाटकाचार का कर्म नाटक नाटकाचार है लोक पूरा नाटक स्थान है रंगमंच है और जहाँ पर जीव जो है वो नट नटियाँ हैं और जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं अपना अपना कर्म के उदय से क्या कर रहे हैं कोई देव बन गया कोई मनुष्य बन गया कोई तिरंज बन गया कोई नारकी बन गया मनुष्य में भी कोई स्त्री बन गया कोई पुरुष बन गया कोई नपुंसक बन गया उसमें कोई बच्चा है कोई युवा है कोई वृद्ध है कोई नाना है कोई नानी है कोई चाचा है कोई चाची है दादा दादी काका मामा मामी बहुत सारे पात्र हैं बहुत सारे पात्र हैं अवस्था में मैं लिखने की कोशिश की क्योंकि मैं कंफ्यूज होता था कौन भतीजा कौन भांजा कौन देवता कौन देवती कौन पोता कौन पोती इन चक्कर में बहुत कंफ्यूज होता था तो मैंने एक वृद्ध अम्मा को बैठाया वो नब्बे साल की होगी मैंने तो ज़्यादा अनुभव होगा एक पूरा चार्ट लिया मैंने बनाने का ग्राफ अब बताते जाओ तुम इसका भाई उसका भाई इसकी सासू उसकी सासू उस नानी चाची ससुर चाची ससुर मामी ससुर कुत्ते ससुर बहुत सारे ससुराल निकलेगा इसमें ठीक है ना फिर इसका ना था पूरा चार्ट मेरा भर गया मैं कन्फ्यूज में हो गया मैंने फाड़ा मैंने मुझे नहीं सीखना लिखने में इतना कन्फ्यूजन है तो साक्षात मानने में क्या होगा साक्षात निभाने में क्या होगा लिख नहीं पा रहे हम समझ नहीं पा रहे दिमाग यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया पूरा कि किसको क्या माने किसका भाई किसका भाई किसका चाचा नाना ससुर नानी ससुर पता नहीं कौन कौन ससुर ठीक है ननियाल उसका ननिहल इसका ननियाल इतने सारे भर गया मेरा मैंने अम्मा तुमने बहुत सीखा है अब निकलो इससे अब बाहर आओ ये संसार बता रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं आपस में मेल जोल करते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं बिल्कुल सफ़र की तरह जियो जीवन कैसे जियो सफ़र की तरह जियो सफ़र करने जाते हो ना यात्रा करने जाते हो ना बस में बैठते हो ट्रेन में बैठते हो या एरोप्लेन में बैठते हो हाय हेलो करते हो कहाँ से आए हो कहाँ जा रहे हो क्या करते हो क्या नहीं करते हो थोड़ा सा भोजन अपना उसको दिया उसका भोजन तुमने अपना लिया आपस में मिलजुल किया व्यवहार बनाया और जैसे ही बस स्टैंड आया एयरपोर्ट आया स्टेशन आया ठीक है तुम अपने स्थान पर और हम अपने स्थान पर ना हम तुम्हें जानते हैं और ना हम जानते हैं. एक सफ़र था सफ़र में मेल किया मिलाप किया और फिर सब ऐसे ही जन्म जन्म हुआ जन्म में सब मिले और मरण गया तो सब क्या हो गए विदा हो गए तो मरण होने के बाद छूटें ये तो मिथ्या दृष्टि है और जो मरण के पहले छोड़ दे वो सम्य दृष्टि है क्या कर दे मिथ्या दृष्टि तो मरण के बाद छोड़ ही रहा है ना मरने के बाद सब छूट ही जाना है तुम क्या छोड़ोगे वो तो छूट ही गया लेकिन रहते रहते होश पूर्वक जो क्या कर दे तो क्या करें महाराज कल से घर छोड़ देंगे नहीं घर में छोड़ो अनटच हो जाओ सबके बीच में रहते हुए ये जान लो कि नहीं प्रत्येक जीव जुदा है कोई किसी का न भला कर सकता है न कोई किसी का बुरा कर सकता है हम ही अपने आत्मा का भला कर सकते हैं हम ही अपने आत्मा का बुरा कर सकते हैं जगत में कोई मेरा मालिक नहीं है मैं ही अपना आत्मा का मालिक हूँ कोई किसी का नौकर नहीं कोई किसी का सेवक नहीं कोई किसी का मालिक नहीं सभी आत्माएं परमात्मा बनने की शक्ति रखते हैं सब अपने आप में स्वतंत्र हैं सब मालिक हैं और मैं किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकता कोई मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता इतना जानना इतना समझना और इतना स्वीकार कर लेना ये आपका सम्यक दर्शन है यह आपका क्या है समझ और जब आप एक में रहने लग जाओगे तो ये आपका सम्य चरित हो जाएगा जब आप सब छोड़ के विदा हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, जाएगा। वो समय चारित हो जाएगा लेकिन मानना मात्र समय दर्शन हो जाएगा तो इससे अपन और समझेंगे समय होगा जनवाणी जावाणी के ज्ञान से सोवाणी मस्तक धरू सदा दे भारती तो हे जपो दिन जो तेरी शरणा धरे शो पावे सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कार्यक्रम पाठशाला के पुण्य अर्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर लोधी कॉलोनी दिल्ली